विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच जो फाइट हुई वो तो आपने देखी ही होगी, लेकिन उसके बारे में जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको पता नहीं होगा। हेरा फेरी 3 मूवी होने वाली भी है या नहीं? क्या शाहरुख खान ने फैन को मारा? क्या तारक मेहता ने तारक मेहता पे केस कर दिया? और एक ऐसी न्यूज है जो सुन के आप बोलोगे कि मुकेश अंबानी जैसा दोस्त मुझे भी चाहिए भाई। यस, और भी बहुत कुछ। सो आरसीबी और एलएसी के मैच के दौरान अफगानिस्तान के क्रिकेटर नवीन उलहक और विराट कोहली की फाइट हो गई, जो कि फिर एंड में गौतम गंभीर और विराट कोहली की फाइट में कन्वर्ट हो गई। तो एंड में झगड़े की गंभीरता इतनी विराट हो गई कि दोनों टीम के सारे प्लेयर आ गए। क्या चालू है भाई? बाकी फॉरेन प्लेयर्स तो सोचते रहेंगे हम लोग इधर है तो ये दोनों बेन स्टोक्स को याद क्यों कर रहे। एक तो नवीन भाई क्या है, कोई भी लीग में जाते हो झगड़ा करते हो। मजनू क्या कर रहे हो तुम, किसी को भी फोन करते हो, कुछ भी मांगते हो। हाँ ये देखो PSL, GFL, CFL, IPL सब में झगड़ा। बचपन में टीचर मेरे को बोलती थी, भाई तू स्कूल में पढ़ाई करने आता है मारपीट करने आता है? ये भी वही है, खेलने आते हो मारपीट करने आते हो। अभी तो ऐसा लग रहा है भाई डिस्ट्रैक्ट बना देगा विराट कोहली पे। फिर क्या, मैच के बाद नवीन भाई ने इंस्टाग्राम के कमेंट्स ही बंद कर दिए और स्टोरी डाली कि यू गेट व्हाट यू डिजर्व। उस हिसाब से आपको तो हेट मिल रही है, सो यू डिजर्व दैट नवीन भाई। फिर क्या, मैच के बाद ऑफिशियल से डिसाइड किया कि विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों 100% मैच फीस कैंसल। तो नवीन उलहक का अगर विकिपीडिया पढ़ो, he made his international debut for Afghanistan cricket team. He is known for picking fight with famous cricketer like मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी और विराट कोहली। ये कैसा अचीवमेंट है भाई? उसके बाद नवीन उलहक ने धोनी के साथ फोटो खिंचाई। ये मैं बोल रहा ना पूरा स्कूल का मैटर, एक का एक दोस्त के साथ झगड़ा हो गया तो वो उसके दोस्त के साथ फोटो लेता है जलाने के लिए, देख मेरा दोस्त है अभी। फिर क्या, आरसीबी की मैनेजमेंट ने बोला कि विराट कोहली पे जितना फाइन है हम लोग भरेगा, जान दे देंगे इसके लिए। विराट तू कुछ नहीं देगा, हम देगा। वंस अगेन आरसीबी ओनली विनिंग हार्ट्स। बट सही है भाई, बहुत पैसा है आरसीबी के पास। देखो इतना पैसा है, इतना प्यार है, फॉलोअर्स है, बस एक ट्रॉफी नहीं है। आ जाएगी। फिर क्या, मैच जीतने के बाद मस्त टीम थीम एंथम गा रही थी। केदार जाधव को देखो इधर बोल रहे मैं आज ही आया भाई, मेरे को तो याद भी नहीं है क्या है ये सब। वो मैच के बाद केएल राहुल बाहर हो गए आईपीएल से, क्या बहुत लोग की असलियत भी बाहर आ गई। पंजाब के साथ भी तो इन्होंने किया ना राहुल ने, कितनी बार पंजाब को भी तो मरवाता ही था ये। बोल रहा है लाइव नहीं है ना, लाइव है हम, रन आउट का मौका कब हुआ लाइव? कैमरामैन पक्का एलएसजी का फैन है, एक्शन बोलने से पहले ही रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। और इस चीज के इंटरनेट पे कुछ अलग ही मीम्स बन रहे। और रील्स आए हाय हाय। यार मैच देखने के लिए टीवी ऑन किया था, गलती से बिग बॉस देख लिया। रील्स देखने आया था, क्रिंज दिख गया। बट कुछ भी हो भाई, अगर ये दोनों टीम सेमीफाइनल या फाइनल में आ गई ना, विश्व युद्ध 3 पक्का है। और क्या, शाहरुख खान जब एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे तो एक फैन ने ट्राई किया उनके साथ फोटो खींचने का, लेकिन शाहरुख खान एयरपोर्ट से बाहर निकले तो एक फैन उनका फोटो लेने की कोशिश कर रहा था सेल्फी मोड पे। वहीं शाहरुख खान ये देखकर उससे गुस्सा हो गए और उसका हाथ झटक दिया, और इतना ही नहीं उस इंसान का कोट और मोबाइल नीचे गिर गया। वहीं ये वीडियो अभी तक पठान के कैरेक्टर से आई नहीं बाहर। एक तो देखो पहली बात ये गेट से जो भी बाहर आता है ना उसके सामने फोन निकालो ही मत। अरे बाबा भाई सलाम अलैकुम। देखो आदमी अपनी पर्सनल स्पेस में रहता है, अपना एक मूड में रहता है, थोड़ा गुस्से में है, कुछ भी है, ऐसा उसके सामने फोन घुसाएगा मुंह पे फिर तो गुस्सा होएगा ही ना आदमी। फिर क्या, मीडिया में बातें चलने लगी शाहरुख खान एरोगेंट। मतलब ये मीडिया वाले वही है जो शाहरुख खान के ऐसे नकली एडिट बनाते। शाहरुख खान ने बोला मैं पाकिस्तानी हूँ। वाह भाई क्या एडिट है, इसलिए बोलता हूँ साइबर कैफे से एडिटिंग का कोर्स मत किया करो। कौन सिखा रहा है ये लोग को एडिटिंग भाई? बुरा है भाई, पता है इससे भी बुरा क्या है, पिंपल्स। ये पता है उसको कैसे निकालना है, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि पिंपल्स ऑयली स्किन से आते हैं, और स्पेशली अभी गर्मी में इतना पसीना होता है, सीबम एंड ऑयल ऑन स्किन तो आता ही है। पता है आपकी मम्मी ने आपको बोला होगा मुल्तानी मिट्टी विद रोज वाटर लगाओ जिससे फ्लॉलेस स्किन मिलेगी, लेकिन वो लगाना बहुत मचमच है आपको पता है। लेकिन अब मामा अर्थ आपके लिए लिखे है ना मुल्तानी मिट्टी फेस वॉश एंड फेस मास्क। नाउ इनमें है मुल्तानी मिट्टी ऑफकोर्स जो एक्सेस ऑयल अब्सॉर्ब करता है एंड एक्ने पिंपल्स से फाइट करता है। मैंने इसीलिए मुल्तानी डैब टेस्ट लिया, एक गाल पे होममेड मुल्तानी मिट्टी एंड एक गाल पे मामा अर्थ मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश लगाया। होममेड मुल्तानी मिट्टी से स्किन काफी ड्राई लग रही,
फ्री थी, बट मामाअर्थ के फेस वॉश से मॉइस्चराइज थी। एकदम हैसल फ्री मुल्तानी है ये। इनमें है बल्गेरियन रोज जो हाइड्रेशन प्रमोट करता है, स्किन को ओवर ड्राइंग से सेव करता है। नायासाइनामाइड जो इवन स्किन टोन देता है। विटामिन ई जो अगेन मॉइस्चर को लॉक इन करता है एंड इवन स्किन टोन प्रमोट करता है। भाई ये बढ़िया ऑप्शन है डेली यूज के लिए। पिंपल्स विंपल तो हटाएगा, स्किन को चकाचक रखेगा एंड दिन भर रिफ्रेश एंड रिजुविनेटेड फील करोगे। एंड मुल्तानी मिट्टी फेस मास्क तो है ही, जैसे मैंने बोला सुपर कन्वीनियंट एंड एक रेडी फॉर्मूला है भाई। इतना ही नहीं, ये राइट मॉइस्चर प्रोवाइड करता है स्किन को एंड स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता है। सो एंजॉय मुल्तानी ऑन क्लॉक, नो ऑयल ब्लॉक। यस, ये आप सब डेली यूज कर सकते हो। सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री है, नो पैराबेंस, नो हार्मफुल केमिकल्स, एक्स्ट्रा स्किन केयर हो जाएगी। मैं आपको तो बताइए, व्हेन यू परचेस फ्रॉम मामाअर्थ, मामाअर्थ आपके प्रोडक्ट को लिंक करता है एक ट्री से, जो वो प्लान करते हैं टू कंप्लीट देयर मिशन ऑफ प्लांटिंग 1 मिलियन ट्रीज 2025। एंड आपको तो बताइए, मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स Amazon, Flipkart, Nykaa पर अवेलेबल है, लेकिन अभी आपके आसपास के स्टोर्स में भी अवेलेबल है। कहीं भी स्टोर दिखे मामाअर्थ का तो मेरे को नीचे कमेंट से बताओ। एंड मेरा प्रोमो कोड तो है Thagesh2023, जिससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ, व्हिच इज वैलिड ऑन mamaearth.in उसके ऐप पे। एंड प्रोडक्ट्स आल्सो अवेलेबल Amazon, Flipkart, Nykaa पर, चेक करना लिंक डिस्क्रिप्शन में। और अगर मैं आपको बोलूं कि हेरा फेरी 4 के मेकर्स, उसके डायरेक्टर फरहाद सामजी, जिन्होंने किसी का भाई किसी की जान बनाई, उसको निकालने का सोच रहे। यस, किसी का भाई किसी की जान के रिस्पॉन्स से इम्प्रेस होने के बाद मेकर्स ने सोचा कि हमको ऐसा डायरेक्टर चाहिए जो हेरा फेरी डायरेक्ट करे, ना खुद हेरा फेरी करे। आसान भाषा में बोलूं, लगता है मेकर्स ने खबरेश वाला ये एपिसोड देख लिया। आसान भाषा में बोलूं तो ऑडियंस की तरह मेकर्स की भी फट गई। मतलब बॉलीवुड वाले आजकल क्रिटिक्स से इतना नहीं डरते जितना ट्विटर ट्रेंड से डरते, क्योंकि काफी टाइम से ट्विटर पे रिप्लेस फरहाद सामजी ट्रेंड कर रहा था। लोगों ने पिटीशन तक बनाए, ओपन लेटर दे दी। देखो या तो मेकर्स को जनता की पुकार सुनाई थी, जा चली जा, मेरी लाश पे सुधर के जा, चली जा, या तो फरहाद सामजी को साइन करते वक्त एक गाना, तू कर ले साइन, क्या हुआ आपको गाना सुनाई दिया। देखो माना लोगों को एक्सपेक्टेशन है हेरा फेरी 4 से मीम्स आने की, लेकिन लोगों को ये नहीं चाहिए कि पूरी मूवी मीम बन जाए। एक तो आप सोच रहे हो हेरा फेरी 4 क्यों, यस हेरा फेरी 3 नाम नहीं होगा, हेरा फेरी 4 नाम होगा, क्योंकि सुनने में आया कि शायद वो मूवी का कंटिन्यूटी ये नहीं करेंगे, ये पूरी एक नई स्टोरी होगी। लेकिन अगर वो 3 बंदूक लटक रही थी उसका क्या हुआ ये नहीं बताया ना, तो ये राज भी उसी के साथ चला गया सर। क्या कोई किसी को 1500 करोड़ का गिफ्ट दे सकता है? यस, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी ने अपने खास दोस्त, अपने राइट हैंड मैन मनोज मोदी को 1500 करोड़ का घर गिफ्ट दिया। घर वाले बचपन में बोलते थे अपने दोस्त बदल दे, ये दोस्त तेरे लिए सही नहीं है, उनका सुन लेना चाहिए था। दोस्त मत, मेरे को नहीं चाहिए ब्रो दोस्त, मेरा कौन मतलब। इधर मेरे दोस्त बर्थडे में आज भी 200 रुपए का डिओड्रेंट दे देते हैं मेरे को। 1500 करोड़ का घर कौन देता है? है? ये बिल्डिंग 22 माले की है, इसमें 7 फ्लोर तो सिर्फ पार्किंग है। अब 7 फ्लोर की पार्किंग तो है, 7 फ्लोर में लगाने की गाड़ियां कहां से आएगी, वो भी गिफ्ट कर देते यार। बेसिकली मनोज मोदी मुकेश अंबानी के दोस्त होने के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत पुराने ट्रस्टेड एम्प्लॉई है। जियो के लिए 1000 करोड़ों की डील फाइनल करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। फेसबुक के साथ 43,000 करोड़ वाली डील भी इन्होंने साइन की थी। मुकेश भाई ये तो गिफ्ट नहीं, ये तो दिवाली बोनस है। और दो तारक मेहता ने तारक मेहता पे केस कर दिया। ये न्यूज आ रही है गोकुलधाम सोसाइटी से। तो जो पुराने तारक मेहता थे शैलेश लोढ़ा, उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो प्रोडक्शन हाउस है उनके खिलाफ केस ठोक दिया, क्योंकि उनको अभी तक उनका बचा हुआ पेमेंट नहीं मिला। मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूँ यार, गोकुलधाम सोसाइटी में चंपक चाचा होने के बावजूद ऐसा हो रहा है। इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। उनके होते हुए कोर्ट केस हो ही नहीं सकता। अब आप सोचते होंगे जो बंदा हर एपिसोड के एंड में ऑडियंस के डाउट क्लियर करता है उसका पेमेंट क्यों क्लियर नहीं हुआ, मैं बताता हूँ क्यों। देखो तो जो तारक मेहता के प्रोड्यूसर है अशित मोदी, उनके साथ शैलेश लोढ़ा का थोड़ा हो गया राड़ा, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो अब पेमेंट पेंडिंग होने की वजह से उन्होंने मेकर्स पर केस कर दिया। जब मेकर्स से पूछा तो उन्होंने कहा हम पेमेंट देने तैयार है, ऑफिस में आओ पेपर साइन करो, और क्या। ये तो मतलब एंड में तारक मेहता आता है ना, अपनी पूरी जिंदगी तारक मेहता जेठालाल के प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा रहा, और जब उसके मसले सॉल्व करने की बारी आई तो जेठालाल ने तारक मेहता का साथ छोड़ दिया। क्या तारक को मिलेगी उनकी पेमेंट? क्या वो करेंगे पेपर साइन? क्या इस तरह बात करने में मुझे मजा आ रहा है? ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पक्का है कि खबरें शो के हर एपिसोड में बहुत हंगामे होंगे। ठाके वो तो निश्चित रूप से आएंगे। देखते रहिए मेरे साथ द खबरें शो एंड चैनल को सब्सक्राइब। और क्या, हम बढ़ते हैं आपके और हमारे फेवरेट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। कि अगर मैं कहूँ कि प्यार के लिए कोई सीएम को धमकी दे सकता है जान की, तो आप मानोगे? तो कानपुर में रहने वाले एक आदमी ने उत्तर प्रदेश के सीएम को मारने की धमकी दी। पता है क्यों? बस अपनी गर्लफ्रेंड के बाप को फंसाने के लिए। सबसे पहले देखो भाई धमकी किसको दे रहा है, पक्का बड़ा पंगा हुआ रहेगा बाप से। बेसिकली गर्लफ्रेंड के पापा को दोनों के बीच का रिश्ता पसंद नहीं था, फिर लड़के ने सोचा कि आओ इस कांटे को जड़ से उखाड़ कर फेंके। तो भाई ने 2 दिन पहले अपनी गर्लफ्रेंड के बाप का फोन चोरी किया और वो फोन से कॉल करके सीएम योगी को मारने की धमकी दे डाली। दूंगी जी को धमकी,
मरना तेरे को। फिर क्या अगले दिन पकड़ा गया। देखो बाप को मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लड़के ने खुद प्रूव कर दिया क्यों वो लड़का ठीक नहीं है बेटी के लिए। चांद तारे तोड़ लाऊंगा ये बोल रहा था, बाप को जेल में डाल दिया उसके बिचारी के। एनीवेज हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। एक बिहारी सब पे भारी। अगर मैं आपको बोलूं एक ऐसा स्टार्टअप है जो चोरी करना सिखाता है तो आप मानोगे? ये आज कोई बिहार हाइस्ट की स्टोरी नहीं, लेकिन बिहार हाइस्ट जहां से शुरू हुआ ना वहां की स्टोरी है। तो छपरा गांव में एक ऐसा स्टार्टअप पकड़ा गया है जो एटीएम से चोरी करने को सिखा रहा था। ये क्लासेस चल रही थी भाई फुल। इतना ही नहीं, स्पेसिफिक और डिस्क्रिप्शन है। ये स्टार्टअप बेरोजगार लोगों को सिर्फ 15 मिनट के अंदर कैसे एटीएम से पैसे चोरी करने बताता था। इतना ही नहीं, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 15 दिन का डिप्लोमा है और उसके एंड में 15 दिन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी मिलता है। सच में करके दिखाते चोरी, मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ जॉब प्लेसमेंट भी हो रही है। पहले तो भाई शार्क टैंक पे आओ तुम लोग, चोरी करना भी तुमको सिखाना पड़े तो लाना दे तुम पे। तो इस स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर जो है उनका नाम सुधीर मिश्रा है एंड लोग उन्हें प्यार से एटीएम बाबा भी बुलाते, एटीएम बाबा। फिर इस प्रोग्राम से पास आउट हुआ एक स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट था कि उसने 40 लाख की चोरी कर दी। सब पकड़े गए। देखा, ज्यादा ब्रिलियंट होना भी अच्छा नहीं है। एटीएम बाबा ने चोरी की सारी तकनीक सिखा दी, एक चीज नहीं सिखा पाया, वफादारी। पूरा मुंह खोल दिया जाके। इस पर यूपी पुलिस की 5 टीमों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह पर बड़ी सेंधमारी की है। सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने सरगना के भाई समेत 4 बदमाशों को दबोच लिया है। बढ़ते नीचे साउथ की ओर हमारे अगले सेगमेंट में चुम्मेश्वरी साउथ। अगर आपकी घड़ी और वॉलेट चोरी हो जाए तो अपनी गाड़ी को आग लगा दोगे? तो चेन्नई के एक 51 साल के आदमी ने फ्रस्ट्रेट होके 16 टू व्हीलर्स को आग लगा दी। यस, क्योंकि उसका घड़ी और वॉलेट घूम गया था। तेरी घड़ी घूमी है तो 16 लोगों का समय क्यों खराब कर रहा है? यू सी व्हाट आई डिड देयर? मतलब ये कोई तरीका है वॉलेट ढूंढने का? हां, तेरे को लगा रहेगा उधर 16 स्कूटी खड़ी है, उधर किधर गिरा रहेगा, सबको जला देता हूं फिर तो दिख ही जाएगा। साले जितने का तूने पेट्रोल डाला ना उतने का तो नया वॉलेट आ जाता तेरा। हैं, किसी दिन चेन बीन चोरी होगा तो क्या पूरा बिल्डिंग जला देगा? सही बात नहीं। अभी क्या पुलिस कस्टडी में ब्रह्मास्त्र का ऑडिशन दे रहा है? ओम देवा। GTA तो बहुत लोगों ने खेली है, कभी सोचा इंडिया में सही में वही होगा? गुड़गांव में रास्तों के बीचों बीच एक टैंक, आर्मी वाला टैंक ऐसे ही पड़ा था। राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में भारतीय सेना का युद्ध टैंक दुर्घटनाग्रस्त होने का मामला सामने आया है। देखो, रियल लाइफ GTA खेलने का सपना तो सब देखते हैं, लेकिन पूरा सिर्फ गुड़गांव में होता है। कैब बुक करते टाइम प्रोमो कोड में क्या टैंक का चीट कोड डाला था? पेंजर है? आया कहां से भाई, हवा से गिरा क्या? इसे कैसे लोग है भाई दुनिया में, ये सब क्या कर रहे हो? चैनल को तो सब्सक्राइब करते नहीं, ये सब बरोबर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दो। एक्चुअली ऐसे 3 टैंकर्स को ले जाया जा रहा था, रास्ते में कुछ गड़बड़ की वजह से एक टैंक उधर ही रह गया, छूट गया। अबे मेरे को तो अंदर लो। फिर क्या, हाईवे टूरिस्ट स्पॉट बन गया और लोग फोटो खिंचाने आ गए। यातायात जरूर प्रभावित हुआ। जेसीबी और टैंकर लोग देखने के लिए तो खड़े रहते हैं। ऐसे लोगों पे वीडियोस बना के हम थक गए। देखो, क्रिंज रील रिव्यू बनाया था, एकदम अजीबोगरीब लोग हैं, यहाँ पे टैप करके देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब करना है। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट मामा अर्थ। पीस आउट।